यही है जर्मन सफर कुत्ता। आप देखेंगे कि किस तरह से कलर है, किस तरह से चलता है। इसे हम जो है अल्लाहाबाद से 100 रुपए में खरीद कर लाया। आप देखेंगे कि शकल देख पाएंगे तो लगेगा कि ये जर्मन सफर कुत्ता है। और दोस्तों इसी कमजोरी पर मत जाइए, रोज कैसे 3 लीटर दूध पिला देते हैं। आप देखेंगे तो ये ऐसा है ही, इसको लगता है कि बचपन में पोलियो मार गया था। पोलियो के शिकार होने के कारण ये थोड़ा चिंगुरा बटुरा सा है, लेकिन आप इसका चाल देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और इसको हमेशा मुरझा आता रहता है, हमेशा नींद में ही रहता है। लेकिन हमारे गांव लोगों का यही कहना है कि ये जर्मन सफर नहीं, ये देसी कुत्ता है। लेकिन हम कंफ्यूज में हैं कि देसी कुत्ता है कि जर्मन सफर कुत्ता है। देखते हैं, जब भी देखे तो ऐसे नींद में रहता है, हमेशा मुरझा मुरझा से रहता है। इतना दूध पिला देते हैं कि उतना हम नहीं खाते, फिर भी पता नहीं इसके शरीर में क्यों नहीं लगता। आप देखेंगे इसे कलर ही पता नहीं कैसे मिट्टी में लोट लेता है और हमेशा जो है मिट्टी मिट्टी लगाए रहता है। तो जर्मन सफर यही कुत्ता है, ऐसा होता है जर्मन सफर। कमजोरी के कारण थोड़ा सिकुड़ा बटुरा सा है। अभी जहाँ 2-3 लीटर दूध पर डे पिलाया जाएगा तो ये सब सही हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। और जो है इसे कल ही लाया हूँ, तो आपको ये जर्मन सफर कुत्ता कैसा लगा तो हमें आप ज़रूर बताएं। और नहीं, पोलियो तो पैर में नहीं मारा है, इसके पूरे शरीर में है। पता नहीं कैसे खड़ा होता है कि नहीं होता। थोड़ा हम आपको इसका चाल दिखा देते हैं, किस तरह से चलता है देख लें, दिखाएंगे आपको। और ये भौंकता भी नहीं, सुस्त पड़ा रहेगा, कोई इससे मतलब नहीं। चोर आए, कुत्ता आए, कुछ भी आए, किसी से कोई मतलब नहीं। सिर्फ खाना खाएगा, दूध पिएगा, मुरझा में रहेगा, नींद में रहेगा। ऐसा लोगों का यही कहना होता है जो हमारे आसपास के हैं, बोलते हैं यार इसको तो पोलियो ड्राप पिलवा दीजिए। लेकिन पिलाया जाएगा, थोड़ा आपको इसका चाल दिखा देते हैं। पिसाब भी कर दिया, चल थोड़ा चाल। Right.